देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा डिफरेंट क्या है कि ये तो ठीक है, ए दिया है, बी सेट दिया है, ए क्रॉस बी निकालना यहां तक तो ठीक है, लेकिन उस ए क्रॉस बी को ग्राफिकली एंड डायग्रामेटिकली दोनों से दिखाना है आपको, ठीक है, इसे हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं। अब दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास में ए है, बी है, हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप निकालना, सब सीख गए जल्दी जल्दी, वन वन का टू, फिर वन का फोर के साथ, फिर टू का टू के साथ, और टू का फिर ये सही है, ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब इसको ग्राफिकली दिखाना है, कार्टेशियन प्लेन जो होता था ना, इंटेंड बनाते थे, ग्राफ ही तो बोलते थे, ग्राफिकली दिखाना है। तो इनको जब हम ग्राफिकली यहां करेंगे तो देखो एक काम करता हूं, ग्राफिकली तो यहां शो कर देता हूं और डायग्रामेटिकली वहां कर दूंगा। क्या बनाएंगे ये, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, एक्स एंड इट इज ऑफ वाई, एक्स डैश वाई डैश। हाँ भाई, यहाँ पे हम देखे वन टू थ्री उधर टू फोर तक जा रहा है, तो यहाँ पे मान लो हमने बनाया वन टू थ्री एंड दिस इज फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। क्या आ रहा है ये, वन टू, वन और टू वाई पे चलेगी, ये तो लोकेट करना आता है ये सबको, वन टू, वन फोर, वन फोर जस्ट इसके ऊपर, क्या वन कॉमा फोर, टू 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 टू, ये टू कॉमा टू, फिर टू कॉमा फोर, तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा टू कॉमा फोर, फिर क्या है थ्री कॉमा टू, तो थ्री कॉमा टू और थ्री कॉमा फोर। थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर ऊपर नीचे हो गया हो तो आप एडजस्ट कर लेना, ग्राफ में ही अच्छा बनता है, तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, समझ में आया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा तो कर लेंगे। अच्छा, डायग्रामेटिकली कैसे करना है, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, एक एक्स एक्सिस, उसमें हम बनाते हैं डायग्राम वाले में दो सेट्स, इसे हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमने यहां पे दोनों सेट ले लिए, कौन सा, ए सेट और बी, ए में क्या है वन टू थ्री और बी में क्या है टू और फोर, वन इज रिलेटेड टू टू, वन टू के साथ रिलेटेड। अच्छा एक बात और, वन इसमें जो है वो ए सेट से है और टू जो है वो बी सेट से है, तो कैसे बनाएंगे एस, ठीक है, एरो बनाएंगे वन टू टू, टू की तरफ जा रहा है तो एरो बनाएंगे वन इज रिलेटेड टू टू, वन किसके साथ में कर रहा है फोर के साथ में, फिर टू टू के साथ में, तो ऐसे फिर टू फोर, फिर थ्री, ये है ना थ्री टू और फिर थ्री फोर, तो थ्री का फोर के साथ में बनाएंगे ऐसे और एरो बनाएंगे, समझ में आया, ये आपका डायग्राम हो गया और ये आपका ग्राफ, ये क्वेश्चन आपका ऐसे खत्म होता है, रिप्रेजेंट करने का।